दोस्तों एप्पल की जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है भैया ये है कि भैया ये कभी किसी की कॉपी नहीं करती, यानी कि ये अपना माल बनाती है, मतलब कि अपना अलग ही ट्रेंड निकालती है। और जो भैया ज़्यादातर ट्रेंड चलता भी है और भैया और कंपनियां इसको कॉपी भी करती हैं। दोस्तों इसी के साथ कंपनी तैयारी कर रही है एक और नए स्मार्टफोन की बनाने की, तो दोस्तों जो होगा हमारा iPhone 11। दोस्तों इसी के साथ एप्पल की तरफ से आईफोन 11 की कुछ कॉन्सेप्ट रेंडर सामने आए हैं। दोस्तों मैं इसकी गारंटी नहीं लेता हूं, बट मैं आपको कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट रेंडर बताऊंगा, यानी कि लीक्स बताऊंगा जो शायद हमें आने वाले फ्यूचर में सच हो जाएं। दोस्तों ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं अपने चैनल पर या फिर आपको कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता जिससे आपका नुकसान हो, और मैं चाहता हूँ आपका कोई नुकसान नहीं हो। या फिर मैं आपको बता सकता था ये, बट मैंने नहीं बताया क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं मिले। तो मैं अभी बता देता हूँ, अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो ही इस वीडियो को देखें और वीडियो को पूरा देखें, और हमारे चैनल को और ऐसी वीडियोस को पाने के लिए सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आने वाले समय में आपको आईफोन से अपडेटेड करता रहूँ। दोस्तों हो सकता है आने वाले समय में आपको आईफोन 11 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि भैया हमें आईफोन एक्स में ही डुअल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल गया था। तो भैया हो सकता है कि भाई आने वाले समय में आईफोन 11 में हमें ट्रिपल रियर कैमरा देखने के लिए मिल सकता है। और दोस्तों अगर बात करें ये कितने मेगापिक्सल के होंगे, ये भी कंफर्म नहीं है, बट मैं आपको अपने हिसाब से बता देता हूँ। हो सकता है इसमें आपको एक कैमरा मिल जाए 14 मेगापिक्सल का, दूसरा मिल जाए 10 मेगापिक्सल का, तीसरा मिल जाए 5 मेगापिक्सल का। दोस्तों अब इतने कम मेगापिक्सल हैं या फिर आप ये सोच रहे होंगे इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि भाई हमारी जो एप्पल है क्वालिटी में कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करती और इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। अगर बात करें इस फ़ोन के स्टोरेज बैटरी परफॉर्मेंस की, दोस्तों परफॉर्मेंस के नाम पे इसमें आपको कोई भी चिपसेट की जानकारी अभी इसमें नहीं है। तो इसमें आपको हेक्साकोर का प्रोसेसर मिलेगा, 4 GB तक कम से कम रैम मिलेगी और इंटरनल 64 GB तक मिलेगी। और दोस्तों इसमें आपको बैटरी कम से कम 4000 mAh तक तो मिल ही जाएगी। ये अभी कन्फर्म नहीं है कि भैया इतना ही होगा, आप ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। और दोस्तों एक खुशी की बात ये भी आ रही है, इसमें आपको डुअल सिम का ऑप्शन भी मिलेगा जिसमें आपको एक नैनो सिम मिलेगी और शायद इसमें आपको ई सिम का भी सिस्टम देखने के लिए मिल सकता है। और दोस्तों जो अच्छी बात मुझे लग रही है, शायद इसमें आपको डस्ट रेजिस्टेंट और वाटर रेजिस्टेंट भी देखने को मिलेगा, जिससे आपको फ़ोन अगर आप पानी में डुबाओगे तो शायद ख़राब नहीं होगा, बट ये शायद ही होगा वाटर रेजिस्टेंट। मेरे हिसाब से यार एप्पल है, दे सकती है, कोई बड़ी बात नहीं अगर एप्पल वाटर रेजिस्टेंट का सिस्टम भी दे सके अपने फ़ोन में। तो एक चीज़ और सामने निकल कर आ रही है, तो शायद ये फ़ोन iOS 12 पर बेस्ड होगा, जो हमारा एप्पल का एकदम लेटेस्ट iOS वर्जन है। दोस्तों यही थे कुछ आईफोन 11 के हमारे कुछ रेंडर्स या फिर लीक्स दोस्तों जो मैंने बता दिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो यार वीडियो को लाइक कर देना, यार आप लाइक करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हो, और ऐसी वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ रहे।